हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो कि हमें 31 मार्च 2019 तक करना है। दोस्तों जब कानून नया 1 जुलाई 2017 से आया तो बहुत सारे प्रोविजंस की एप्लीकेशन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हुई। उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर अब इंप्लीमेंट किया गया, अप्लाई किया गया कि सरकार जो है वो ऑर्डर्स निकाल सकती है फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। उनको कहेंगे रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर्स। तो ऑर्डर नंबर 2 2018 में डिपार्टमेंट ने निकाला, सरकार ने निकाला और दो इश्यूज को एड्रेस किया और जिसकी ड्यू डेट जो है वो मार्च 2019 है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का जो लास्ट डेट था वो सितंबर 18 की ड्यू डेट या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर था एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए क्योंकि पहला साल था, सरकार ने एक रिलैक्सेशन दिया, एक डिफिकल्टी को रिमूव किया सोसाइटी की, स्टेक होल्डर्स की। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल ईयर 17-18 का क्रेडिट लेना छूट गया है तो दोस्तों उसके लिए हमें मार्च 19 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो कि सेक्शन 39 में फाइल करनी है, जो कि 3B है, उसकी ड्यू डेट तक आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 के कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट ले सकते हैं। तो आपने मार्च 19 का 3B फाइल करना है 20 अप्रैल 2019 तक। तो 20 अप्रैल 2019 तक अपने सारे क्रेडिट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको वो क्रेडिट नहीं पता था लेकिन 2A में आपके नजर आया तो आपको बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि वो क्रेडिट भी आपके पास अवेलेबल है और आप वो लेना छोड़ गया है। तो आप उसको मार्च 2019 की 3B में फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई जो है उसमें एरर और ओमिशन हुआ आपका, जो कि सेक्शन 37 में GSTR 1 भरते हुए भरना होता है, उसके हिसाब से आपको कुछ इनवॉइसेस या कुछ और इंफॉर्मेशन छूट गई आपकी, तो उसके लिए भी इसी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर ने हमें प्रोवाइड किया कि आप अपनी, अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न है तो 30 अप्रैल 2019 तक, मतलब जनवरी टू मार्च क्वार्टर की रिटर्न तक में 30 अप्रैल 2019 तक आप इसको एरर ओमिशन को करेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी मंथली है तो 11 अप्रैल 2019 तक इसको करेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का बेसिक ऑब्जेक्टिव दोस्तों हमारे सारे व्यूअर्स को इस बात के लिए अवेयर करना है कि ये महीना मार्च का अब लास्ट के जो कुछ दिन बचे हैं बहुत क्रूशियल है। आप अपने सारे क्रेडिट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी आउटवर्ड सप्लाई अगर कोई छूटी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। इसके बाद कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी इस करेक्शन को करने की नहीं दी जाएगी। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।